गया, चाय पानी हो गया और सब कुछ हो गया हमारा कंप्लीट। और जस्ट अभी एक कॉल आया है, कॉल था एक कुरियर का और वो काफ़ी बड़ा चौड़ा कुरियर है, जिसके वजह से उन्होंने बोला कि भाई अगर आके ले सकते हो तो ले लो। और वो कुरियर ज़्यादा दूर नहीं मेरे घर से, जस्ट नज़दीक में ही है, तो मैं सोचा जाके ले लेते हैं। और बड़ा ही स्पेशल चीज़ है उस कुरियर में, तो इस वीडियो पे बने रहो और देखो कि क्या है। और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अमेजिंग अमेजिंग बाइकिंग ट्रैवलिंग ये सब से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो अभी हम ऐसा करते हैं, चलते हैं रोड पे, मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड पे। ये लाइन जो है ना मेरा टैगलाइन होने वाला है, क्योंकि मुझे पसंद आ गया और मज़ा भी आता है बोलने में। चलते हैं रोड पे, मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड। तो अभी मैं ये गाड़ी लेके नहीं जाने वाला, लेकिन चेक करेंगे कि आज भी कुछ हुआ है क्या समस्या। देखने में तो नहीं लग रही, लेकिन भाई हल्का हल्का तो हुआ है आई थिंक सो। ये वाली मिलके बात करना पड़ेगा। तो अभी हम जो है सो स्कूटी लेके जाएंगे, क्योंकि सामान काफ़ी बड़ा है, बाइक पे लाने में दिक्कत होगा। और अभी ये चीज़ भी काफ़ी दिक्कत करने वाली है, बहुत आवाज़ करती है भाई। तो कुछ इस तरह से इधर कूड़ा जा रहा है और यहाँ पे पाइप डाली जाएगी, वो वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन होती है वो बिछने का काम चालू है, जिसके वजह से हमारे मोहल्ले में हो रही है जेसीबी की खुदाई। और इस वाले एरिया में ना हजारीबाग में काफी कोर होना केसेस निकले हुए हैं इस वाले एरिया में, अभी मैं जिधर से जा रहा हूँ। लेकिन ब्रो एक वक्त डर भी हुआ करता था कोरोना से, अभी धीरे धीरे डर तो लोगों से ख़त्म हो चुका है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि रसिया ने वैक्सीन निकाल लिया है और बहुत जल्द बाकी भी देश लाइन में लगे हुए हैं। सो भाई अब बस अच्छे अच्छे न्यूज़ आना चालू हो जाए यार, काफ़ी बुरी न्यूज़ 2020 में सुनते जा रहे हैं। हाँ भैया, वो प्रशांत कुमार का पार्सल होगा एक। हाँ पेड है। तो जो ये देख रहे हो यही है सामान, लेकिन साला ये तो इसमें भी जाने में दिक्कत है भाई, किसी तरह इसको ले जाया जाएगा। तो भी अगर मैं बाइक लेके आता ना, ये काफ़ी दिक्कत करने वाला था ये सामान। अच्छा हुआ स्कूटी सही आए। और हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेट्रोल पंप खुल गया और मतलब कि इतना सारा कुछ बन भी गया, और मुझे ना कल रात में पता चला कि यहाँ पे पेट्रोल पंप, और डेली मैं इधर से गुजर रहा हूँ। तो ये देखो ये कुछ आ चुका है पार्सल। तो इन खोलने से पहले सैनिटाइज करना भी जरूरी है, सैनिटाइजर भी बहुत कम बचा हुआ है। क्लियर उतरी, अब क्लियर निकलने के बाद निकला एक बड़ा सा झोला अपने राइट साइड के लिए, उसके अंदर एक और झोला और उसके अंदर दो डब्बे हैं।
एक डब्बा। सो अभी तक अगर आपने गेस कर चुका है कि ये तीन सामान में क्या क्या हो सकता है, सो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं खोल के दिखलाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले अब मैं बताइए, इस दोनों डब्बे में ओराजो के शूज़ हैं, बूट्स एक्चुअली राइडिंग बूट, एंड इसमें मेरा राइडिंग पैंट है राइनोक्स का। तो ये देखो, ये सबसे पहला शू है, ये है ओराजो का स्टील टो वाला शॉर्ट एंकल, मतलब लॉन्ग एंकल है बट इसमें एक लंबा वाला था, लेकिन ये शॉर्ट वाला बूट्स है। एक पेयर राइडिंग बूट्स, और एक दूसरा सेम पेयर राइडिंग बूट्स। तो अभी आप सोच रहे हो एकदम बिल्कुल सेम क्यों मंगाया गया है, तो इसमें मैं बता दूं कि जो एक पेयर है ये होने वाला है मन्नू के लिए, ये मन्नू का बूट है, एक और होने वाला है ये मेरा, तो इसको साइड करते हैं। और अब फिर से खोला जाएगा पिटारा एक और पैंट का साइज क्या आता है। ये जो है वो रिंग पैंट है राइनोक्स का, जो कि क्योंकि इस वाले पैंट के साथ ऊपर से आता है। तो अभी तो सब कुछ आ गया, और ये इसको अच्छे से दिखाने का तरीका बस सही वाला वही है जो कि मैं इसमें पहन के दिखलाऊं। तो इंटर लाइनर के साथ भी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी मैं किसी राइड पे नहीं जा रहा, लेकिन राइडिंग जैकेट पहनने का बस एक कारण ये था कि राइडिंग पैंट और राइडिंग बूट पहने हैं, तो साथ में राइडिंग जैकेट पहन के ये तो देख लें कि मैच वैच अच्छा से कर रहा है कि नहीं, बट साइज एकदम परफेक्टली भैया ने भेजा है वहाँ से। तो जो लास्ट वाला शॉट आपने देखा, उसके बाद ये जो शॉट है वो करीबन 4-5 घंटे बाद का शॉट है। और इधर देखो, ये मेरी बूट क्योंकि, और ये मेरी बूट जो मैंने पहन रखा हुआ है क्योंकि आज देखेंगे बाइक वाइक चलाने में क्या कंफर्टेबल है या नहीं। और थोड़ा जब राइडिंग बूट कोई सा भी होता है ना, थोड़ा ब्रेकिंग करना पड़ता है, सो अगर मैं थोड़ा रेगुलर पहन पहन के यूज़ करूँगा तो बूट ब्रेकिंग हो जाएंगे। और दूसरा जो है ये मन्नू की है, तो ये वाला जो बूट है वो मन्नू का है, लेकिन इस तरफ बॉक्स में तो लेके नहीं जाएंगे क्योंकि तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस सबको हटाते हैं, ये बूट को ऐसे ही लेके जाते हैं, मतलब कि कोई बैग वैग में डाल के या झोले वोले में। तो अभी जो माल डिलीवर करना था उसके लिए हम पूरा खुफिया वाला जगह चुने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आए जाए नहीं और हम लोग शांति से अपना माल को डिलीवर कर सकें। माल को डिलीवर कर रहे हैं इस आदमी को, माल हो गया है, माल दिखलाओ, माल दिखलाओ, पब्लिक को माल दिखलाओ। और ये रहा, और ये रहा माल, एक इधर भी है और एक ये ऑर्डर करने जा रहा है अभी, है ना। सो देख रहे हो मैं कितना बढ़िया इन्फ्लुएंसर हूँ, मतलब एक मैं खरीदा, एक इसको खरीदवाया और अभी एक ये लेने वाला है। मुझे देखे, लेकिन ये लो मन्नू, माल को छुपा लो, इसमें पानी नहीं लगेगा, इस पे लग सकता है, इस पे तो नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा क्योंकि वो वाला मटेरियल है जो इस, याद है आर्मी वाला जो हम लोग दिखला रहे थे, वाटर क्रॉसिंग करने वाला बूट नहीं है, बारिश में काम आ जाएगा, वाटर क्रॉसिंग नहीं होगा, नहीं लेकिन बहुत लोग वाटर क्रॉसिंग भी करता है, बोलता है जरा सा भी पानी नहीं, इससे ऊपर पानी आ गया तो। और आप इधर, और मेरे पीछे जो ये गाड़ियां लगी हुई जबरदस्त दिख रहा है, यहाँ पे ड्यूक 390, हिमालयन 410। तो यहाँ पे हो गया माल डिलीवर, मतलब कि जो जूता मन्नू का था वो बूट मन्नू को दे दिया गया है। और अब वीडियो को ऐसी खूबसूरत सी लोकेशन पे ही एंड करते हैं, तो ठीक है, मिलते रहो इसी तरह मेरे वीडियोस के थ्रू मुझसे। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक फन वेरी सीरियसली।